बच्चों, एक न्यू क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आपके सामने हूं। चलिए क्वेश्चन को देखना है, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली एंड व्हेन ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। तो हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, एंगल निकालना है। तो हमें पता है, क्या पता है बच्चों, देखो ध्यान से, हमें एक फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पर कितना, ये कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखें, ए डॉट बी का ये रहा वैल्यू, तो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना, 1, तो ये रहा, मैंने यहां पर 1 पुट कर दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना, ये रहा मेरा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय कितना, ये कॉस थीटा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा हमें मिल चुका है, ध्यान से देखें। तो हम बोल सकते हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू द 1/2। ओके, अब ध्यान से देखो बच्चों, तो मैं यहां पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स 1/2। अब ध्यान से देखो बच्चों, हमें फार्मूला यहां पर पता है, कौन सा फार्मूला, आप याद कर लेना, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू द थीटा होता है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। 1/2 के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखो, ये रहा मेरा कॉस इनवर्स कॉस, ध्यान से, ये पाई बाय अपना यहां पर 3। तो देखें, इसी फार्मूला को मैं यहां पर अप्लाई करने वाला हूं, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, पाई बाय 3। तो यहां से हमें एंगल क्या मिला बच्चों, पाई बाय 3। ओके, चलिए ये मेरा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं फिर से मिलूंगा बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।